आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच महिला टी20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा। आयरलैंड को हराकर हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में टीम इंडिया ने सेमीफाइनल में किया था क्वालिफाई। आईपीएल 2023 से पहले चेन्नई सुपर किंग्स को लगा बड़ा झटका। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने कहा है कि वह पूरे आईपीएल के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। स्टोक्स ने कहा कि वह एशेज के लिए अपने आप को फिट रखना चाहते हैं और इसलिए वह पूरा आईपीएल नहीं खेलेंगे। सीएसके ने स्टोक्स को 16.25 करोड़ रुपए में अपनी टीम में शामिल किया था। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान सरफराज खान ने एक चौंकाने वाला बयान दिया है। जब उनसे पूछा गया कि आपकी नजर में सबसे बढ़िया कप्तान कौन है, तो उसके जवाब में उन्होंने खुद का नाम लिया। आपको बता दें कि साल 2017 में सरफराज खान की कप्तानी में ही पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट कप्तान पैट कमिंस ने आईसीसी रैंकिंग में शीर्ष गेंदबाज का स्थान गंवा दिया है। उन्हें 2 स्थान का नुकसान हुआ है और वो तीसरे स्थान पर आ गए हैं। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने 40 साल की उम्र में एक बार फिर शीर्ष स्थान हासिल किया है। वहीं भारत के स्टार स्पिनर रविचंद्रन अश्विन दूसरे स्थान पर हैं। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग केस में ऐश श्रीशांत, अंकित चव्हाण की तरह ही अजीत चंदीला पर भी लाइफ टाइम बैन लगाया गया था। हालांकि श्रीशांत और अंकित पर लगाया आजीवन प्रतिबंध तो काफी पहले हट गया था, लेकिन अजीत को अब जाकर बीसीसीआई ने राहत दी है। उन पर लगे बैन को घटाकर 7 साल का कर दिया गया है। आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप के खेले मुकाबले में इंग्लैंड महिला टीम ने पाकिस्तानी टीम को 114 रनों के बड़े अंतर से मात दी है। वहीं पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड टीम ने 213 रन का स्कोर खड़ा किया, जिसके दबाव में पाक टीम बड़े अंतर से हार गई। नितिन मेनन टेस्ट सीरीज के बाद अब वनडे सीरीज में भी एम्पायरिंग करते हुए नजर आने वाले हैं। दरअसल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट में नितिन ने विराट कोहली को एक विवादित LBW आउट दे दिया था, जिसके बाद मेनन काफी चर्चा में रहे थे। अगले महीने 4 मार्च से महिला प्रीमियर लीग के पहले सीजन की शुरुआत हो रही है। सभी टीमों ने टूर्नामेंट के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। यूपी वॉरियर्स ने अपने कप्तान के तौर पर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज एलिसा हिली के नाम की घोषणा की है। आकाश चोपड़ा ने बुमराह पर निशाना साधते हुए कहा है कि अगर आईपीएल के 7 मैच नहीं खेलेंगे बुमराह, तो दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी। उन्होंने कहा कि आईपीएल खेलना ही एकमात्र लक्ष्य नहीं होना चाहिए। आप पहले भारत के लिए हैं, फिर फ्रेंचाइजी क्रिकेट के लिए। पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ी ने विराट कोहली की तारीफों के बांधे पुल। सलमान भट्ट ने विराट कोहली के साथ बाकी खिलाड़ियों की तुलना पर कही बड़ी बात। मॉडर्न एरा में विराट कोहली की किसी और खिलाड़ी के साथ तुलना नहीं, बाकी खिलाड़ियों से विराट कोहली बहुत आगे।